The master has failed more times than the beginner has even tried. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है कि अगर हमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है और अगर हम अभी क्लास ट्वेल्थ में हैं या फिर हम पास आउट हैं या फिर हमने गैप लिया हुआ है तो वो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या डिटरमिनेंट्स को वो सिलेक्ट करें और क्या क्या पॉइंट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस पूरी वीडियो में आपको ये जानकारी दी जाएगी। आप बने रहिएगा, आपको पूरे अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे एक सही स्ट्रेटजी के थ्रू बहुत जल्दी 2-3 साल में ही और शायद से 1 साल में ही सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बट हमें कुछ डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एग्जाम कोई डिफिकल्ट नहीं है, टफेस्ट एग्जाम में आता है वैसे, बिकॉज द सिलेबस इज इन बल्क, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। बाकी एग्जाम सिविल सर्विसेज कंपैरेटिवली काफी आसान है, जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको चीजें समझ आ भी जाएंगी। सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्जाम होता है जिसे पहले ही दिन सब कुछ नहीं बताया जा सकता, इसमें धीरे धीरे ही आपको टीचर बता पाएगा अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। आई एम हैविंग अ एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 8+ ईयर्स इनटू द ऑफलाइन क्लास टीचिंग ऑफ द सिविल सर्विसेज, तो मैंने आज तक हजारों लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उनकी प्रॉब्लम्स को देखा है, उन्हें समझा है, तो बेस अपॉन माई एक्सपीरियंस मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ कि स्टूडेंट्स किस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उन्हें क्या सबसे चीज चाहिए होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स को चाहिए होती है वो दो है, एक प्लानिंग और एक स्ट्रेटजी, राइट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लानिंग एंड राइट स्ट्रेटजी। इस वीडियो में हम वही समझेंगे। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि यूपीएससी क्या है। देखिए, यूपीएससी आपको फुल फॉर्म पता ही है, मैं फॉर्मेलिटी के लिए बता देता हूँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और हिंदी में इसे हम बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, जिसमें से एक है सिविल सर्विसेज एग्जाम, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, उसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का अलग एग्जाम होता है। ओके, तो यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, जिसमें से वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जाम है। तो कभी आज से आपको कोई पूछे कि व्हाट इज यूपीएससी, क्या आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं? नहीं भाई, हम यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं कर रहे। यूपीएससी तो एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम का। आपसे कोई पूछे आप कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कहें मैं आईएएस आईपीएस, नहीं, आईएएस आईपीएस तो प्रेफरेंसेस और पोस्ट हैं, ये डेजिग्नेशंस हैं। सिंपल है, यूपीएससी इज द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, द नेम ऑफ द एग्जाम इज सिविल सर्विसेज एग्जाम। हाँ, आपसे कभी किसी ने पूछा कि आपका प्रेफरेंस क्या है, तो आप बताइए मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस है, आईपीएस है, ऑल दिस। ओके, तो सिविल सर्विसेज एग्जाम 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, AIS जिसका मतलब है ऑल इंडिया सर्विस, सेकंड है CSGA सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए, और थर्ड है CSGB सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप बी। अप्रोक्सीमेटली जो आपकी टोटल सर्विसेज होती है ना सिविल सर्विसेज में, ये रहती हैं 20 से 23, क्योंकि अभी एक आधी सर्विस खत्म हो चुकी है, लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज IOFS, जो बंदूक बनाने की फैक्ट्री थी उसको प्राइवेटाइज कर दिया, कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो टोटल मिला के 20 से 23 सर्विस होते हैं। जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होता है स्टूडेंट्स का वो AIS के लिए होता है। AIS कौन सा है? IAS, IPS, IFOS भी AIS का ही पार्ट है, बट इसका एग्जाम अलग है। कल को आपसे कोई पूछे कि क्या आप IFOS का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं। IFOS अगर आप कर रहे हैं तो आप हाँ ही कहेंगे, बट आप यही बोलेंगे कि IFOS का सेपरेट एग्जाम है, बट वो पार्ट AIS का ही है। जैसे CSGA सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए में इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सोनल सर्विस, इंडियन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग सर्विस, CSGB में दिल्ली अंडेमान निकोबार इंडियन सिविल सर्विस, दैट इज द डेनिक्स, दिल्ली अंडेमान निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विस डेनिप्स, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विस। तो ये सारी सर्विसेज जो आपको मिलती हैं उसमें से एक सर्विस आपको मिलेगी बेस्ड अपॉन योर प्रेफरेंस, एंड सेकेंड थिंग रैंक, जो आपका प्रेफरेंस रहेगा और जो आपका रैंक रहेगा। तो शायद से आपको समझ आ गया है सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं कि अगर हम क्लास 12th के बाद सोच रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तो हमें क्या डिटरमिनेंट्स को फॉलो करना चाहिए। देखिए, क्लास 12th के बाद आप क्लास 12th में आपके इनमें से चारों में से कोई बैकग्राउंड रहा होगा, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल या फिर कॉमर्स। टेंशन लेने की 1% भी जरूरत नहीं है, चारों के ही स्टूडेंट क्लियर करते हैं एग्जाम, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, इंडिया ना 1960 से ही एक बहुत बड़ी चीज का शिकार है जिसे बोलते हैं मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, आज भी उसी चीज का शिकार है।
बहुत सारे र्यूमर्स का शिकार हो जाते हैं स्टूडेंट, नहीं कॉमर्स वालों का ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है, मेडिकल वालों का, ऐसा कुछ नहीं है, सभी का सिलेक्शन होता है, बस पढ़ने की डेडिकेशन की, राइट डायरेक्शन की, डायरेक्शन दिखाना मेरा काम है, बाकी सब चीजें आपका काम है। तो आप चाहे कोई भी आप बैकग्राउंड लेके बैठे हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें आगे भी थोड़ा बहुत समझना होगा कि क्लास ट्वेल्थ के बाद हमें क्या करना चाहिए जो आगे हमसे कोई भी प्रकार की गलती ना हो। तो ये कोशिश कीजिए कि आप जो ग्रेजुएशन है आपकी ह्यूमैनिटीज में कर लीजिए, जैसे BA, MA। अभी मैं बोल क्यों रहा हूँ, करने को आप किसी में कीजिए, मेरा तो क्या अधिकार है, मैं तो सिर्फ आपको सजेशन दे रहा हूँ। कोशिश कीजिए, आपने क्लास 12 चाहे आपने किसी से ही किया हो, चाहे कॉमर्स से किया हो, चाहे नॉन मेडिकल से या मेडिकल से या आर्ट से, बट आप कोशिश कीजिए कि जो आपकी ग्रेजुएशन है वो BA में हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब इसका रीज़न क्या है कि BA में ग्रेजुएशन करने से, एक तो आप जैसे BA हिस्ट्री में कर सकते हो, BA पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हो, तो आपका ऑप्शनल प्रिपेयर हो जाएगा, और BA में आपके मोस्ट ऑफ द वही सब्जेक्ट्स आएंगे जो सिविल सर्विसेज के हैं। तो आपको शायद से बात समझ आ गई होगी कि why I am saying कि आपको ह्यूमैनिटीज में ही आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए, बाकी आप कर दूसरे में भी सकते हैं, उससे भी एग्जाम निकल जाएगा, बट यहाँ पे आपकी थोड़ी एडवांस्ड प्रिपरेशन हो जाएगी। सेकंड, डू योर ग्रेजुएशन ऑप्शनल। जैसे आप BA कर रहे हैं तो ना, आप फर्स्ट ईयर में देखिए, गाइडेंस के लिए हम बैठे हैं, मैं क्यों हूँ आपकी गाइडेंस के लिए, आपको डायरेक्शन देने के लिए तो बैठा हूँ। आप 1-to-1 मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए, आपके माता पिता से चाहे मेरा बात करवाइए, आप जीमेल के थ्रू मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इजिली, मेरा काम है आपको गाइडेंस देना। आप ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट में उठाइए जिसमें आपको ऑप्शन लेना है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में 3 साल में आपको बहुत डिटेल में पढ़ लोगे आप लोग उसे, तो आपको काफ़ी फायदा रहेगा इस चीज़ का भी। तो अपनी जो ग्रेजुएशन है उसको ऑप्शन उसका सेम लेके चलिए। सेल्फ प्रिपरेशन, देखिए अब जैसे हमने अपना ग्रेजुएशन में आ गए हम, ओके, और अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो उसके अकॉर्डिंग तो ग्रेजुएशन के अलग अब सिस्टम हो गए ना, वो 4 साल वाला ग्रेजुएशन का सिस्टम भी आया है, दैट इज आफ्टर द 12th। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ बदलाव कर दिए हैं। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपने BA ज्वाइन किया, ओके, तो पहले अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं करी, बिल्कुल भी आपने छुआ भी नहीं, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में सेल्फ प्रिपरेशन कीजिए। सेल्फ प्रिपरेशन में आप क्या कीजिए, एटलस को पढ़िए, न्यूज़पेपर को पढ़िए, हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, बिल्कुल सिंपल प्रिपरेशन है, और 6th to 12th NCERT सारी कंप्लीट कर दीजिए। कभी भी डायरेक्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जाया करते, अगर आपने पहले बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ रखा सिविल सर्विसेज का, आपका 11th 12th किसी भी बैकग्राउंड से हो, मैं वो नहीं पूछ रहा आपसे, बट आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आते ही सेल्फ प्रिपरेशन कीजिए, एक एटलस उठा लीजिए, इससे आपको रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज, माउंटेन्स, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, पूरे वर्ल्ड का पता चल जाएगा। न्यूज़पेपर हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस रेगुलर लगवाइए, हार्ड कॉपी, ऑनलाइन मैं थोड़ा मना करता हूँ स्टूडेंट्स को, बट सबका अपना अपना है, और 6th to 12th NCERTs खरीद लीजिए, ओल्ड और न्यू इतना कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, बट ओरिजिनल खरीदिए, फोटो कॉपीड मत खरीदिए, क्योंकि ओरिजिनल में पढ़ने में थोड़ा मन लग जाता है स्टूडेंट का। फर्स्ट ईयर में हमारा क्या हो गया, सेल्फ प्रिपरेशन, ठीक है, सिंपल हमारी प्रिपरेशन चल रही है। अब हम आगे अपना सेकेंड ईयर में, जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आए, फर्स्ट ईयर में अगर आप मेहनत अच्छी करिए, भगवान की आप पे कृपा हो और आप मेहनत करें भी, राइट डायरेक्शन में रहें, सेकेंड ईयर में आते ही कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा आपको किस पे जाना है, क्योंकि आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा हैं। तो सेकेंड ईयर में आके हम ग्रेजुएशन ज्वाइन करेंगे, अब द कोचिंग इंस्टीट्यूट, और सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हमें अब कितना टाइम लगेगा कोचिंग में, 9 to 12 or 13 months, ठीक है। हम कोचिंग दोनों चीज़ों की लेंगे, GS की भी लेंगे और ऑप्शनल की भी लेंगे, एक ही बार में हम कंप्लीट करके। ऑप्शनल का तो मैंने आपको पहले ही बताया था, हम ग्रेजुएशन उसी चीज़ में करेंगे जिसमें हम अपना जो हमने ऑप्शन लेना है, तो ऑप्शनल हमारा प्री डिटर्मिनेट है, प्री सिलेक्टेड है वो। तो जैसे पॉलिटिकल साइंस है, जैसे बेस्ट ऑप्शनल चलता है मार्केट में, तो पॉलिटिकल साइंस हमने ऑप्शनल ले लिया, तो ऑप्शनल हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो जब तक आप ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में आएंगे, ओके, तो उससे आपको फायदा क्या रहेगा कि थर्ड ईयर में आते आते आपका काफ़ी सारा सिलेबस सेल्फ भी कंप्लीट हो जाएगा, और तो दूसरी बात है आपका कोचिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हमारी जो कोचिंग है उसको हमने एंड कर दिया, कंप्लीट हो गई हमारी कोचिंग, तो हमारे ऊपर से काफ़ी बड़ी एक टेंशन तो खत्म ही हो गई। और जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन थर्ड या फोर्थ ईयर में कंप्लीट होती है, 1 साल का गैप ले लीजिए, या फिर डायरेक्टली, क्योंकि आप फाइनल सेमेस्टर में, फाइनल ईयर में UPSC आपको राइट देता है कि आप अपीयर कर सकते हैं, या फिर 1 साल का गैप देके भी। अब ये सब चीज़ें इतनी कब होंगी, पहले आपको बात याद रखनी है कि आप ग्रेजुएशन रेगुलर कर रहे हैं या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस, ये बात याद रखिएगा। देखिए आप किसी में भी करिएगा, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ,
कोशिश कीजिएगा कि आप कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन कर ले। जैसे हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू मैंने मुखर्जी नगर में बहुत लंबा टाइम निकाला है अपनी लाइफ का, एक बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो हमें पता है कॉरेस्पॉन्डेंस से SOL इंस्टीट्यूशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, वहां से आप कॉरेस्पॉन्डेंस से अपना ग्रेजुएशन कीजिए। और पैरेलली आप सब कुछ ये कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर में ना थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में, बाकी आपकी मर्जी है आपको जैसा ठीक लगे, बट मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप कॉरेस्पॉन्डेंस से आप ग्रेजुएशन ज्वाइन कीजिए, और साथ ही साथ अपना मतलब थर्ड फोर्थ ईयर तक आपका सब कुछ ये सेटल हो जाएगा ना, आपको अब इसमें कोई टेंशन रहेगी। ओके, और थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, देन आफ्टर दैट गो फॉर कोचिंग। ओके, ये तो मैंने आपको खुद ही बोल दिया, बता दिया है, और अपीयर फॉर द प्रिलिम्स। अब इसके बाद आप डायरेक्टली प्रिलिम्स के लिए अपीयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल अपने पास एक सिंपल और एक अच्छी सी प्रिपरेशन है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। गाइड देखिए, हमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए, उसको बोलते हैं पेड, PED, प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड डायरेक्शन। तीनों में मैं आपको मदद कर सकता हूँ इंडिविजुअली, क्योंकि देखिए हर स्टूडेंट अलग है और उसका प्रिपरेशन करने का तरीका भी अलग है, उसका फ्यूचर को लेके व्यू पॉइंट भी अलग है, तो हर एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन का मैं आपको इंडिविजुअल प्लान भी बता सकता हूँ कि आपको इंडिविजुअली कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रेटजीज को आपको फॉलो करना चाहिए, तो इजिली हमारा प्रिपरेशन हो जाएगा, 1% भी हमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और इजिली आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। देखिए UPSC में ना डायरेक्शन ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, मेंटोर ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट हर एक बच्चे को पकड़ के नहीं बिठा सकता, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो आपने पढ़ाया चले गए जैसे कॉलेज की तरह है, तो अल्टीमेटली आपको अपने मेंटोर के पास ही जाना पड़ेगा, और मेंटोर भी पूरा ऑथोराइज्ड हो, जिसे पता हो यहाँ सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कैसे करना है, उसका बैकग्राउंड रहा हो सिविल सर्विसेज का। सो दैट्स व्हाई इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर आफ्टर क्लास 12th कि आप ग्रेजुएशन में कैसे जाएं। दिस वॉज अ स्मॉल शॉर्ट वीडियो बेस्ड ऑन योर रिकमेंडेशन, कि आपको था कि हम मैं एक वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। अगर आपको इसके ऊपर और डिटेल कुछ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी बिल्कुल काम करेंगे। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू।